हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस दिस इज लेक्चर नंबर इलेवन और पिछले लेक्चर के अंदर हमने मरीन इंश्योरेंस डिस्कस किया था इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है फायर इंश्योरेंस लेक्चर शुरू करने से पहले एक कंटिन्यूसली इंश्योरेंस के वीडियोज़ के ऊपर बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर कितने लेक्चर तो बेटा कितने लेक्चर की टेंशन आप अभी मत लो ठीक है जब लेक्चर लास्ट होगा मैं उस लेक्चर में बोल दूंगा कि ये लास्ट लेक्चर है अभी आप इतनी टेंशन क्यों कह रहे हो लेक्चर जब मुझे डालने में प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आपको उसको करने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है कुछ छूटना नहीं चाहिए और कोशिश अभी यही है अभी नंबर के ऊपर फोकस है ही नहीं मेरा ठीक है मैंने कोई नंबर टारगेट नहीं किया सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ मैंने कोई नंबर टारगेट नहीं किया है कि मेरे को कम से कम इतने तो नंबर पर जाना ही जाना है मैं तो जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यार मेरा इंश्योरेंस बहुत अच्छे से मेरा कवर हो गया तब तक मैं हटूंगा नहीं ठीक है तो so, टेंशन नहीं लेना है उस चीज का एंड मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं कॉम्बो कोर्स को भी एक्सप्लोर करना बेटा कॉम्बो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है यूपीएससी अगर आप कोड यूज करते हो ठीक है तो जाकर के देखो उस कोर्स को उसमें आपको लेबर लॉज के गैप के सोशल सिक्योरिटी के एम मिलते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर एओ एंड एंड एपीएफसीट चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिक्सटीन सेंचुरी में से आप बेसिकली फायर इंश्योरेंस की हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हो अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में तो अर्थशास्त्र के अंदर फायर इंश्योरेंस का रेफरेंस आपको मिल जाएगा अर्थशास्त्रा में कौटल्या ने लिखा था कि फायर इंश्योरेंस जो है वो होना चाहिए फायर इंश्योरेंस जैसा जो एक मैकेनिज्म है वो होना चाहिए उसमें अर्थशास्त्रा में उन्होंने मैंशन किया था अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें मॉडर्न डे की बात करें तो सेंचुरी में हुआ क्योंकि एक फायर हुई थी जिसको बोला जाता है ग्रेट फायर 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 ऑफ 1666 में में ये लगी थी और इस तेरह हजार घर जल गए थे और एक लाख से ऊपर लोग जो है वो बेघर हो गए थे ठीक है उसके बाद फायर इंश्योरेंस कुछ डिकेट्स बाद फायर इंश्योरेंस का कंसेप्ट जो निकल करके आया और निकोलस बारबन जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फायर थर्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड पॉलिसी जो है वो प्रोवाइड करी इन्होंने एक फायर इंश्योरेंस ऑफिस खोला था लंदन में ही 1681 के अंदर तो ये कुछ इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री है इंडिया में तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर फायर इंश्योरेंस को रखा जाता है अब फायर इंश्योरेंस बेसिकली है क्या जैसे बाकी के इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वैसे ही ये भी एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर इंश्योर क्या करेगा इंश्योर प्रीमियम चार्ज करेगा और प्रीमियम के बदले वो इंश्योर्ड को क्या बोलेगा कि भैया अगर कल को तेरा कोई फाइनेंशियल लॉस होता है अगर तू फाइनेंशियल लॉस सफर करता है बिकॉज तेरे गुड्स डैमेज हो गए हैं या तेरे प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है बिकॉज ऑफ द कॉज ऑफ फायर तो उस केस में मैं तुझे जो है कवरेज प्रोवाइड करूंगा तो जैसे बाकी की इंश्योरेंस होती है वैसे ही फायर इंश्योरेंस है कुछ इसके अंदर बहुत अलग कहानी नहीं है बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है कि देखो जी सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए वो ऑन अकाउंट ऑफ फायर होना चाहिए आग लगने की वजह से होना चाहिए ठीक है जो डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो रहा है प्रॉपर्टी या गुड्स को वो आग लगने की वजह से होना चाहिए अभी आगे चल करके भी मैं इसके आपको एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या ये एक बिल्डिंग है ठीक है आप जो है वो सेवन्थ फ्लोर पे रहते हो ठीक है जी सेवन्थ फ्लोर पे रहते हो और आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और एक घर है इलेवंथ फ्लोर के ऊपर अब ये इलेवेंथ फ्लोर वाले घर के ऊपर आग लग गई और आग बुझा दी गई पर आग लगने की वजह से जो वायरिंग वगैरह ना उसके अंदर कुछ डैमेज हो गया पूरी बिल्डिंग की वायरिंग आपस में कनेक्टेड है वायरिंग के अंदर कुछ डैमेज हो गया और वायरिंग के अंदर डैमेज होने की वजह से क्या हुआ सेवन्थ फ्लोर पे भी वायरिंग में फ्लक्चुएशन हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन हो रही थी कम ज्यादा हो रही थी बिजली और जब बिजली कम ज्यादा हो रही थी तो क्या हुआ ये जो फिफ्थ फ्लोर के ऊपर रह रहा है ना जिसके पास फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है इसका टीवी सड़ गया इसका टीवी खराब हो गया बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रिसिटी तो ये चला गया इंश्योरेंस कंपनी के पास कहता था देखो जी मेरे पास फायर इंश्योरेंस पॉलिसी थी तो कंपनी ने क्या बोला कि भैया ये बोलाट कॉज नहीं है ठीक है तो तेरी जो टीवी खराब हुआ वो आग लगने की वजह से नहीं हुआ वो तेरा टीवी खराब हुआ फॉल्टी वायर लाइन की वजह से आग तो कहीं और लगी थी तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल लॉस जो होना चाहिए वो ऑन अकाउंट ऑफ फायर होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट कॉज होना चाहिए आपका फायर ओके एंड मैक्सिमम अमाउंट जो आप क्लेम कर सकते हो वो जितना आपकी पॉलिसी के अंदर है उतना है अब फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिसी ले रखी है दस लाख रुपए की लेकिन आपका नुकसान हो गया बीस लाख रुपए का तो ऐसा नहीं है कि आपको बीस लाख रुपए मिलेगा आपको अप टू टेन लाख रुपीज ही मिलेगा ओके इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए अब देखो जी इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या मतलब होता है कि आपके आपका उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए जैसे अगर आप बिल्डिंग के ओनर हो ठीक है है या जो बिल्डिंग के अंदर सामान वो आपका ओनरशिप है आपकी कि आप शॉपकीपर हो तो जो गुड्स हैं अल्टीमेटली वो आपके हो गए अब शॉपकीपर जो हो सकता है रेंट के ऊपर हो शॉपकीपर जरूरी नहीं है उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो लेकिन शॉपकीपर ने अपने गुड्स की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है आपका होटल बोर्डिंग एंड लॉजिंग हॉस्पिटल क्लिनिक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग फर्म गोडाउन कीपर्स आप किसी में ले, आपने लीज पे ले रखी है कोई जगह बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स भी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं ठीक है अब बैंक ने अगर मॉटगेज कर रखा है लैंड कोई तो अल्टीमेटली वहां पर या बिल्डिंग कोई मोटगेज की हुई है कोई गाड़ी मॉटगेज की हुई है तो वहां पर वो डेफिनेटली फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं ट्रेडर्स जो है स्टॉक मार्केट के अंदर

ठीक है तो आप उसको थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते वो आपको ही बेसिकली आप और आपकी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट है आप वो ट्रांसफर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास जो इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरर है उसकी परमिशन है ठीक है सो अगर फॉर एग्जाम्पल अब आपने एक बिल्डिंग की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और अल्टीमेटली फिर आप उस बिल्डिंग को बेच देते हो ठीक है तो वो साथ की साथ ऐसा नहीं होगा कि बिल्डिंग बेच दी तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी ट्रांसफर हो गया ना जी ना वो नहीं होगा जब तक इंश्योरेंस कंपनी उसको अप्रूव नहीं करती वो ट्रांसफर नहीं होगा ठीक है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट बेसिकली ओनरशिप ओनरशिप पोजीशन पोजीशन या या कॉन्ट्रैक्ट से आता है 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 आपके आपके पास की है या आपके पास गुड्स गुड्स की का है जैसे बैंक ने कोई गिरवी रख रखा है कुछ तो वो उसका इंश्योरेंस ले लेता है या है कॉन्ट्रैक्ट कोई बट जब साइन हुई है जब पॉलिसी साइन हुई है उसके बाद अगर आप उस इंश्योरेबल इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते हो तो उसमें आपको इंश्योरेंस कंपनी की परमिशन चाहिए ठीक है जी अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी है या गुड्स है वो पार्टनरशिप के अंदर है ठीक है तो एक पर्टिकुलर पर्सन का उसमें एक लिमिटेड इंटरेस्ट है कंप्लीट पार्टनरशिप उसकी है ना तो उसके इसमें भी वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की भी इंश्योरेंस ले सकता है ठीक है वो अपने इंटरेस्ट के साथ साथ दूसरों के इंटरेस्ट को भी कवर कर सकता है वो उसके ऊपर है चलो जी ना एक फ्रेज यूज होता है फायर पॉलिसी के अंदर लॉस और डैमेज बाय फायर ठीक है अब लॉस और डैमेज बाय फायर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि जब आपके जब किसी के बिल्डिंग में आग लगी तो उस बिल्डिंग को बुझाने के लिए फायर फायर ब्रिगेड आई अब कुछ हो सकता है कि कुछ गुड्स जो है वो आग जलने से नहीं खराब हुए जो फायर ब्रिगेड है वो प्रेशर से पानी मारती है है ना तो वो पानी की वजह से वो गुड्स खराब हो गए तो वो भी कवर होंगे ठीक है बिकॉज दैट इज अ लॉस दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू फायर अब प्रॉक्सिमिटी क्लॉज प्रॉक्सिमिटी क्लॉज दो हम शुरू के लेक्चर्स में समझ चुके हैं फायर के केस में आपको ये समझना है कि अल्टीमेटली जब क्लेम जा रहा है फायर इंश्योरेंस का तो सफिशेंट प्रूव होना चाहिए कि जो लॉस है वो फायर की वजह से हुआ है ठीक है आप ये बंदे को प्रूव करना है कि फायर जो है वो प्रोक्सीमेट कॉज है अब जो मैंने एग्जाम्पल लिया था पीछे बिल्डिंग वाला जहाँ पर इलेवेंथ फ्लोर में आग लगी थी और सेवंथ फ्लोर में बेसिकली वायरिंग के डिफॉल्ट की वजह से टीवी खराब हो गया तो फिर वो टीवी नहीं, है ना, फायर, तो उसको उसमें नहीं मिलेगी है, आपने पॉलिसी ले रखी है बंदे ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली हुई है और उसने ही खुद नहीं आग लगा दी ठीक है ताकि भाई इंश्योरेंस का पैसा मिले तो अगर वो प्रूव हो गया तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा उसको उसके अलावा अगर लॉस जो हुआ है वो अर्थक्वेक की वजह से हुआ है किसी कोई किसी दूसरे देश ने हमला कर दिया इन्वेजन कर दिया वॉर हो गया सिविल कोई म्यूटी नहीं चल रही है लोग दंगा कर रहे हैं मार्शल लॉ चल रहा है ठीक है रिबेलियन चल रहा है किसी टाइप का तो उस केस में अगर आगजनी हो गई तो फायर पॉलिसी यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है अब जब जब भी दंगे होते हैं कहीं पर जैसे पहले एक बार अभी कुछ दो साल पहले दिल्ली के अंदर राइट्स होते थे दुकानें वगैरह जला दी थी उन्होंने तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वालों ने पैसे ही नहीं दिए कह रहे हमारे हम कवर ही नहीं करते दंगे की वजह से आग लगी है लॉस कॉज बाय सब ट्रेनियन अंडरग्राउंड फायर अंडर ग्राउंड फायर बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल फिनोमिन उसके बाद इस पब्लिक अथॉरिटी के ऑर्डर पे सरकार ने ऑर्डर दिया था कि वे बिल्डिंग को जला दो उसके बाद जी बिल्डिंग गिर गई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई जिसकी वजह से उसके अंदर आग लग गई ओके लाइटिंग या एक्सप्लोजन की वजह से लॉस हो रहा है अंटिल एन एनलैस आप ये प्रूव कर पाओ कि उस लाइटनिंग जो बिजली गिरी है उसकी वजह से फायर स्प्रेड आउट हो गई तब तक वो कवर नहीं होता फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इसके अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जैसे कि स्पेसिफिक पॉलिसी पॉलिसी वैल्यूड एवरेज पॉलिसी फ्लोटिंग पॉलिसी कॉम्प्रीह पॉलिसी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी अब ये क्या होते हैं एक एक करके समझते हैं सिंपल सी कहानी है ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है सबसे पहले आ जाती है स्पेसिफिक पॉलिसी स्पेसिफिक पॉलिसी ना एक फिक्स अमाउंट की पॉलिसी होती है इसके अंदर ना पॉलिसी के अंदर लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल कि भाई बंदे ने एक लाख रुपए का कवर लिया है तो इसमें लिखा होगा कि एक लाख रुपए तक का पॉलिसी कवर जो है वो प्रोवाइड होता है ठीक तो है, तो है, तो है, है? तो एक्चुअल उसको एक लाख रुपया मिलेगा अब फॉर एग्जाम्पल अस्सी हजार का होता ठीक है इंश्योरेंस एक लाख की है तो अस्सी हजार मिल जाता विच इज लेस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की इसमें कोई रेलिवेंस नहीं होती ठीक है इंश्योर इंश्योर्ड और इंश्योर insured...

और वो एक वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे एक प्राइस प्राइस के के ऊपर ऊपर आ आ जाएंगे जाएंगे फॉर एक्स एक्स करंट और फ्लक्चुएशन को कंसीडर करते हुए वो रुपीस के आ कि भैया ये जो ज्वेलरी हम इंश्योर कर रहे हैं ये एक्स रुपीज के लिए इंश्योर कर रहे हैं इस वैल्यू की पॉलिसी होगी तो कल को अगर आग लगती है तो जो अल्टीमेटली पैसा मिलेगा वो मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं मिलेगा वो इस एक्स प्राइस के ऊपर मिलेगा ठीक है

Uh, जो प्राइस है गोल्ड का वो तीन गुना कम हो गया हो तो उस केस में जो इंश्योर्ड है उसको फायदा ओके एग्रीड वैल्यू दैट इज कंपनसेटेड ये ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है करंट मार्केट प्राइस है जब अल्टीमेटली फायर लगी है जब एक्चुअल में इंसिडेंट हुआ है ओके एंड बेसिकली ये उन्हीं गुड्स के लिए डिसाइड की जाती है जिनकी आप वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होगा जैसे ज्वेलरी क्राफ्ट ये सब आ जाता है इसके नेक्स्ट आ जाता है एवरेज पॉलिसी एवरेज पॉलिसी जो है ना फायर इंश्योरेंस के अंदर की जाती है ताकि जो तो, कुछ लोग ना बड़े चालू बनते हैं चालू कैसे बनते हैं वो इंश्योरेंस के टाइम पे ना अभी इंश्योरेंस के टाइम पे कंपनी पूछती है फॉर एग्जाम्पल कि भाई घर है बंदे का कि घर की वैल्यू क्या है तो वो जानबूझ करके ना अपने घर की वैल्यू आठ लाख रुपये बता देगा फॉर एग्जाम्पल दस लाख रुपये का घर है पर दस लाख की जगह वो क्या बोल देगा कि भाई मेरा तो आठ लाख रुपये का घर है वो क्यों ऐसे बोलेगा ताकि उसको प्रीमियम पे करनी कम पे करनी पड़े जब इंश्योरेंस जब वो होगा जब कुछ इंसिडेंट हो जाएगा तब दिखा देंगे भाई दस लाख रुपए थी हमारी तो वैल्यू तो एवरेज पॉलिसी का क्लॉज जो है वो ऐसे लोगों को एक तरीके से पनिश्ड करने के लिए है अब यहाँ पर पहले टेक्स्ट देखो और उसी में एक एग्जाम्पल भी है वो भी समझ लेना देखो एवरेज पॉलिसी

तो कायदे से तो उसको पंद्रह हज़ार पूरे मिलने चाहिए क्योंकि अब अगर उसने कम वैल्यू भी दिखाई अपनी प्रॉपर्टी की तब भी उसने बीस हज़ार की तो ली थी आप तो यही बोलोगे कि सर बीस हज़ार की तो ली थी तो उसको पंद्रह हज़ार दे दो पर कायदे से तो उसका रेट तीन तीस हज़ार था ना तो तीस हज़ार के ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो ज़्यादा होती तो इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी के साथ तो धोखा हुआ ही है ना तो अल्टीमेटली अब उसको पूरे पंद्रह हज़ार नहीं देंगे हम उस केस में हम उसके जो पैसे हैं वो भी कम कर देंगे ठीक है उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जितनी उसने वैल्यू ओरिजिनल जिस जितनी उसने वैल्यू बताई थी जितना ओरिजिनल मार्केट रेट है उससे डिवाइड करेंगे और जितने का लॉस हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो अब इसको मिलेगी ये फॉर्मूला सा याद करने की जरूरत नहीं है मोटा मोटा ये समझ लो एवरेज पॉलिसी जो है एक तरीके से पॉलिसी होल्डर को पैनलाइज करती है क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कम कोट करी है ठीक है फिर आ जाता है फ्लोटिंग पॉलिसी फ्लोटिंग पॉलिसी बेसिकली उन बिजनेसमैन के लिए होती है जिनके गुड्स जो है मल्टीपल जगहों पर होते हैं जैसे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है मल्टीपल वेयर हाउसेज में उनके गुड्स होते हैं तो क्या करते हैं वो एक सिंगल पॉलिसी ले लेते हैं कि भाई जहाँ जहाँ पर भी मेरे गुड्स हैं जिन जिन भी वेयर हाउसेज में मेरे गुड्स हैं वो सब कवर हो गए तो प्रीमियम जो है एक तरह से एवरेज प्रीमियम चार्ज हो जाती है हर वेयर हाउस के लिए अलग से पॉलिसी नहीं लेंगे वो जहाँ जहाँ पर भी उनके वेयर हाउस हैं वहाँ वहाँ पर उनके गुड्स ऑटोमेटिकली फायर से कवर हो जाएंगे और एक एवरेज प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी चार्ज कर लेगा ये होता है आपका फ्लोटिंग पॉलिसी कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी को ऑल इन वन पॉलिसी भी बोलते हैं इसमें फायर के साथ साथ और भी इंसिडेंट्स जैसे कि थेफ्ट बर्गिलरी थर्ड पार्टी रिस्क वो सब भी कवर हो जाता है इसके अंदर कई बार लॉस ऑफ प्रॉफिट को भी कवर कर लेते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला जो कंसेप्ट है वो कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी के अंदर समझो अब आग लग गई फैक्ट्री में आग लग गई तो फैक्ट्री का काम भी रुक गया ठीक है प्रोडक्शन नहीं होएगी लेकिन फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो तो चलते रहेंगे लेबर को पैसा देना है जो भी स्टाफ है उसको पैसा देना है जो रेंट है वो देना है वो तो कंटिन्यूसली चल रहा है लेकिन प्रोडक्शन हो नहीं रही तो बेसिकली कमाई हो नहीं रही लेकिन खर्चे अभी भी खड़े हैं तो अल्टीमेटली लॉस होगा तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी क्या कहती है कि जब तक बेसिकली जो प्रॉफिट का लॉस हुआ है ना जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है जो इतने टाइम में प्रॉफिट कमा लेती कंपनी प्रोडक्शन करके उसको कवर करेगी ठीक वो प्रॉफिट भी फिर इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करेगी ये होती है आपकी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी फाइनली रिप्लेसमेंट पॉलिसी आ जाती है रिप्लेसमेंट पॉलिसी बेसिकली क्या होती है जहाँ पर जो इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी है वो वो ये बोल सकती है कि हम आपको कैश नहीं देंगे फॉर एग्जांपल मशीन की पॉलिसी है तो कैश ना देकर के हम तो आपकी दोबारा से मशीन ही इंस्टॉल करा देंगे या उसको रिप्लेस कर देंगे ठीक है तो दिस कैन बी योर रिप्लेसमेंट पॉलिसी तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी गाइस फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड विद दिस वी आर डन विद फायर इंश्योरेंस मैंने कोशिश किया कि मैं इसको जल्दी जल्दी कराऊंगा ये ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है पीडीएफ एक बार रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएंगी ओके okay, फिर भी अगर किसी को स्पीड तेज लगी है, तो कमेंट में बता देना एक बार एंड चैनल को जरूर इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर एंड